आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस दुखद घटना पर हम सब चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब इस विषय से आहत हैं। मरने वाला किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो भारतीय था। ऐसा मैं मानती हूँ कि वो भारतीय ही था। बांग्लादेश से आए हुए कुछ घुसपैठिए हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अध्यक्ष जी, 51 लोगों की मृत्यु हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए हैं। इसकी पुनरावृत्ति देश में कहीं ना हो, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसकी मैं उम्मीद तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन ये कहना आसान है, करना जरा मुश्किल है, खासतौर पर जब कुछ लोगों ने इसके राजनीतिक फायदे उठाए हों। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन खींचकर बाहर निकाली गई हूं। आप मुझे बताइए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है? और अरे सुनने की कुवत रखिए जी, सुनने की कुवत रखिए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूं कि इस तरीके की घृणा और नफरत, इस तरीके की घृणा नफरत सिर्फ एक कट्टरपंथी ही कर सकता है। और उस कट्टरवाद को पनपाने वाले लोग कौन है, आज मुझे लगता है इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी। और खास तौर पर अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो सीलमपुर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम्ब और बाकी चीजें 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई हैं कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। और उसकी जो संस्था है ग्लोबल सोसाइटी, ओपन सोसाइटीज, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हर्ष मंदर है जो कि एनएसी के भी मेंबर थे। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी, उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा। और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बातें की हैं तो मैं इनको मुसोलिनी का एक और कांड बता देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि हेडगेवार के गुरु मुसोलिनी थे, तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके नाना जी मुसोलिनी की आर्मी में काम करते थे, ये भी जरा पता कर लीजिएगा। तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं, और जब आप दूसरों के घावों को कुरेदते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी जरूर उठेंगे प्रश्न। दुख की बात यह है कि इन सब चीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रणनीति थी, और ये संगठित रणनीति उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो कि आज राजनीतिक समर्थ अपना खो चुके हैं। और इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस काम को मुकम्मल किया गया। फैजल फारूक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है लेकिन अरुण नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है, दोनों बगल में हैं। ताहिर हुसैन की इमारत, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं आपसे, तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम्ब फेंके गए, कैटापुल्ट यानी गुलेल जिसको कहा जाता है वो गुलेल, अरे तो गुलेल गुलेल का इस्तेमाल हुआ। और गुलेल का इस्तेमाल इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ। आप मुझे बताइए किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है, और एक साजिश के तहत हर दसवें घर के ऊपर एक गुलेल पाई गई, हर दसवें घर को इंगित करके एक गुलेल पाई गई।
और ईंटों का जखीरा शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा ईंटों का जखीरा जो है वो भी यहाँ पे पाया गया कि निगम के सफाई कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि ये सड़क बनाने की कुवायत है कि बोरियों में भरकर उनको ऊपर ले जाया गया। मोल्टोवा जो कॉकटेल है जिससे बम पेट्रोल बम आदि फेंका जाता है वो इस भारी क्वांटिटी में वहां मिले। एसिड अटैक महिलाओं ने, उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छत से किए जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये लोग अध्यक्ष जी मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक शेर याद आ रहा है, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, लेकिन आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। इन सब का पारा चढ़ना तो स्वाभाविक है। अध्यक्ष जी एक पत्थरों का जखीरा तो हमने देखा ही, और जिस तरीके से इन्हें ऊपर पहुंचाया गया वो भी सोचने वाली बात है। अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति को 400 बार घात किया और उसको मारा। इन्हें याद आना चाहिए कि रतन लाल हेड कांस्टेबल को मारा गया, गोलियां सीधे चलाई गई हैं, और इस सब के बीच में अमित शर्मा डीसीपी पुलिस वालों का मैं नाम इसलिए ले रही हूं जो बीच बचाव करने ढंग से इस पर काबू पाने के लिए उतरे, उन्हीं के साथ मारपीट की गई है, और वहां पर लगातार सीए के विरोध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू हुई हैं। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू होकर 25 तारीख की 11 बजे रात तक खत्म हो चुकी हैं। ये इस सरकार की एफिशिएंसी है कि 36 घंटे के अंदर इन्होंने इस सब चीजों पर काबू पाया। जो लोग पूछते हैं पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाइलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे। और ओल्ड मुस्तफाबाद में सबसे अधिक एक मिनट किसी जाति और धर्म का नाम इस बहस में नहीं लेना है। ओके स्पीकर सर कुछ सच्चाइयां जो प्रेस ने छुपाई है, इसलिए मैं आपका आदेश का पालन करूंगी। बेड़े। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी स्पीकर सर। मुस्तफाबाद और मुस्तफाबाद में सबसे अधिक गुलेल पाई गई है। करावल नगर ईंट पत्थर बोरियां उन घरों पर पाए गए हैं। एक मिनट माननीय सदस्य आप नियम बैठिए आप नियम कानून की बातें बताते हो, आप नियम कानून की पालना करते हो क्या? प्लीज नो बोलिए। स्पीकर सर अमानतुल्ला खान के जब भयानक बयान आते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। मैंने डायरेक्शन दे दिए गए कोई भी व्यक्ति जाति धर्म को इंकित पार्लियामेंट की डिबेट में नहीं करेगा। एक्सपेंस कर दिया बैठ जाइए। अध्यक्ष जी ईंट पत्थर और इस तरीके की चीजें जो कि घरों के निर्माण के लिए उन घरों पर पाई गई हैं जहां पर निर्माण कार्य चल ही नहीं रहा था, और जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर बोरियां खाली पाई गई हैं। ये तो सही मायने में जांच का विषय है, जांच की जो भी आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा। लेकिन करावल नगर शिव विहार जहां पर सबसे अधिक जो दंगे का, और ये दंगा नहीं कहूंगी एक सोची समझी हिंसा थी, उसमें जो पाया गया एक सड़क के दो चौराहे पर एक तरफ अल्पसंख्यकों के मकान है, दूसरी तरफ बहुसंख्यकों के मकान है। सबसे हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यकों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुसंख्यकों के सारे मकान दुकान तहस नहस हो गई है। अब आप मुझे बताइए अध्यक्ष जी
जरूरी नहीं जिनमें सांस न हो वो मुर्दा हो, जरूरी नहीं जिनमें सांस न हो वो मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत ना हो वो भी कौन से जिंदा है। और उसकी रफ्तार जो है वो हमें देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बच्चियों के सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्त्र करके भेजा है, जो ट्यूशन से आ रही बच्चियां थी। आप और सिर्फ यही नहीं, छतों के ऊपर खड़े होकर अश्लील हरकतें अपने कपड़े उतार उतार के इन्होंने की है, जो कि प्रिंसिपल का बयान है, स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है। आप मुझे बताइए, इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति साथ देने को राजी है? बताइए, ऐसी ऐसी हरकत क्या आप राजी हैं? क्या है राजी? नहीं है ना? तो फिर और इस सबके बीच में चाहे वो अमानतुल्ला खान थे, चाहे वो ताहिर हुसैन थे, और इस तरीके की चीजें सबके बीच में हुई हैं, और वो सब बयान भी सबके सामने हैं। लेकिन मैं आ रही हूं कपिल मिश्रा पर, लेकिन इस सब के लिए, इस सब कार्रवाई के लिए ब्लेम किसको दिया गया? सदस्य किसी व्यक्ति का नाम मत लो, जो सदस्य अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी क्योंकि नाम लिए गए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, इन सबके लिए ब्लेम किया गया अनुराग ठाकुर को, प्रवेश वर्मा को, जिनका बयान 20 तारीख का था, 20 जनवरी का था, और 20 जनवरी का अनुराग ठाकुर का बयान था चुनाव के दौरान, और ये घटनाएं हैं 23 फरवरी की, और प्रवेश वर्मा का बयान 28 फरवरी का था, ये घटना है 23 फरवरी की, और इस सबके बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को ब्लेम किया गया, कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और उसको जिम्मेवार, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया शार्जिल इमाम की हरकतों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया ताहिर हुसैन की हरकतों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया अमानतुल्ला खान के बयानों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने कहा कब्र खुदेगी, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया कि भारत के प्रधानमंत्री को जो कातिल कहने का रुतबा रखते हैं, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीब की बातें कर रहे थे भारत के गृह मंत्री को दड़ी पार कहने के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहां पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकतें जिन पुरुषों ने की उनके लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया फारूक फैजल को बचाने के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजनीति खत्म हो चुकी है पैरों तले, और जो किसी के कोई माइनॉरिटी वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको बचाने के लिए, कपिल मिश्रा को किस किस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराओगे जब ये सब राइटिंग के लिए, ये सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे, और ये किस तरीके का ये, और मैं इसके लिए सही मायने में प्रेस के कुछ लोगों को, जेएनयू जामिया, आप इस पूरे प्रकरण को देखिए, आप पाएंगे कि ये सब चीज शुरू हुई सीए का सो कॉल विरोध को लेकर। सीए के विरोध में सबसे पहले जेएनयू के कुछ छात्र खड़े हुए और सबने समझा ये तो सीए का विरोध है। अब सीए का विरोध किस लिए कि कुछ अल्पसंख्यक जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, भारत में 25-25 साल से पड़े हुए हैं, उनको किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नागरिकता देने की, और उस सब के बाद में वो मामला शिफ्ट होता है जामिया में। जामिया में पुलिस थोड़ी सख्ती करती है तो पुलिस को डिफेंसिव करके कि ये पुलिस जो है वो व्यक्ति की बोलने की आजादी के खिलाफ है, ऐसा इल्जाम पुलिस पर लगा दिया जाता है, तो पुलिस थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है कि भैया मोदी जी के राज में सबको बोलने की आजादी, हरकतें करने की आजादी है। आप शाहीन बाग से लेकर सारा प्रकरण अगर आप देखते हैं, जामिया के बाद में 14 दिसंबर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्यक्ष जी, वो लाइव फुटेज उससे पहले की भी देखो, जो मार काट करके लाइब्रेरी में मुंह पर गमछा बैग पहनकर बैठ जाते हैं, किताबें बंद होकर पढ़ना शुरू करते हैं, वो फुटेज भी देखनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली होती है, उस रैली में सोनिया जी का बयान है आर पार की लड़ाई होगी,
सड़कों पर सब निकलो। प्रियंका जी का बयान है, प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते। राहुल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी काफी उत्तेजनात्मक बयान दिए। 14 तारीख के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं और शाहीन बाग 14 के बाद 15 से ये हरकत शुरू होती है। 3 महीने तक दिल्ली की सड़कों को रोक कर ये लोग बैठते हैं और उसके बाद 17 तारीख को उमर खालिद का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है। उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जनता के खिलाफ हैं। 19 तारीख को वारिस पठान का बयान है कि हम 15% भले ही हो 85% पर भारी पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सब चीजों के लिए आप कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराएंगे? इन सब के लिए आप दिल्ली पुलिस को जिम्मेवार ठहराएंगे? उकसाने का काम और कट्टरपंथी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था। और अरे भैया, अगर रोक दिया होता तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों की आजादी नहीं है, विचारों। और इसी की वजह से पुलिस डिफेंसिव मोड में थी। और कुछ जजेस, कुछ के मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जजेस कुछ का मानना है जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब धरना कब हिंसात्मक होगा ये बैठ के कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? और जिन जजेस के इन्होंने नाम लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर बाकी चीजें लिखवाने का, इसीलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि बिना रेकमेंडेशन के सरकारें ट्रांसफर नहीं करती, और ट्रांसफर ही किया था, ट्रांसफर तो पहले हो चुका था। मैं तो कहूंगी एक दिन कि आईबी की जो रिपोर्ट है ना, कुछ लोगों के बारे में उनको पब्लिक कर देना चाहिए, सबको समझ आ जाएगा कि किसका ट्रांसफर क्यों करके हुआ है। अध्यक्ष जी, अरे कर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपको ये सोचकर, मुझे कम से कम सोचकर ये दुख जरूर होता है कि देश के अंदर जहां हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं और पिछले 5 साल उसी विकास की राजनीति की है, कुछ लोगों ने, जब इस देश के अंदर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए गए, लोगों का मजहब देख कर दिए गए थे, जब गैस के सिलेंडर दिए गए तो मजहब देख के दिए गए थे, आयुष्मान भारत का फायदा दिया गया तो मजहब देख के दिया गया, ये लोग कैसे उस बात को भड़का सकते हैं? मैं आई कैन थिंक दैट रैंक एंड फाइल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी मे नॉट अंडरस्टैंड द निटिग्रिटी ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस, लेकिन यहां बैठे हुए जितने नेता हैं वो तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही वो क्यों इस तरीके की अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं जिससे देश बिखरे। यही कारण है असलियत में, तो कारण ये है कि वो लोग जो इस्लामिस्ट हैं, वो इस देश में कभी लेजिस्लेचर में बहुत अहमियत नहीं रखते थे, कभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वीटो पावर अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए उसको जरूर एक्सरसाइज करते थे। और अगर वो वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं करते तो जाहिर है 370 जो कि टेम्परेरी प्रोविजन था कब का हट जाना चाहिए था, 3 तलाक कानून ने कभी मान्यता नहीं दी कब की हट जानी चाहिए थी। सर मैं बताना चाह रही हूं, आप सुनिए थोड़ा पेशेंटली, राइट का संबंध तो ये सब ग्रू अप हो रहा था ना, मैं अभी बताती हूं आपको, थोड़ा पेशेंटली समझिए। 370, 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब तो भारत के संविधान में लिखी हुई चीजें हैं, 1952 से आज तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें खत्म क्यों नहीं हुई? ये खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक इस्लामिक जमात की एक वीटो पावर चलती थी, और जिसको शासन में हुआ था अगर वो उस नो गो जोन को डिस्टर्ब करता था तो समझिए कि शासन में आप आ ही नहीं सकते। लेकिन जब से ये सरकार शासन में आई तो उसने वो नो गो जोन का हमेशा वायलेशन किया, और यही कारण है कि ये तड़प सीएए के रूप में सामने आई। क्योंकि ये मानने को मैं राजी नहीं हूं कि जितने मुखिया यहां बैठे हैं उनको सीएए कानून समझ नहीं आया। मैं जानती हूं कि वो इस कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं मानती हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी भी लेना सीखो।
अध्यक्ष जी, ये वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति जो है वो चला रही थी इस देश को, लेकिन 2014 के बाद से वो वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो गई। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को, लेकिन तुम तरस नहीं पाते बस्तियां जलाने को। और कुछ लोगों का तो अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वो बस्तियां जलाने में माहिर हैं। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं अध्यक्ष जी, जो कि इस देश में दंगों से संबंधित है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत जरूर करना चाहती हूं कि देश में हिंसा हुई, जब जब हिंसा हुई उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार थे। अध्यक्ष जी, उन सबके लिए एक अधिकतर जो अभी नेहरू जी का भी नाम लिया गया था कि कॉलर पकड़ लिया, मैं वैसे बात नहीं करना चाहती, लाहौर में भी ऐसा हुआ था 1946 में और उन्होंने कहा था तो मैं क्या करूं, और ये मेरे अपने परिवार का विषय है, मैं आज उस बात को दोहराना नहीं चाहती। तो क्या रवैया था उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन दंगों का इतिहास जरूर मैं बताना चाहूंगी। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 243 दंगे इस देश में हुए जो कि डॉक्यूमेंटेड है, 1950 से 1964 के बीच में, इंदिरा गांधी जी के राज में 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के बीच में 337 दंगे इस देश में हुए, इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रही। राजीव गांधी जी के राज में जो कि 1984 से 89 तक का था, 291 दंगे इस देश में हुए, 1194 दंगों में से कांग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए, जिसका टोटल परसेंटेज 73% आता है, 73% दंगों के जिम्मेवार लोग यहां बैठे हैं। और जब इनको हम शहर और बाकी तरीके से जब देखते हैं तो उसमें आता है कि 10 बड़े दंगे, 18 जो बहुत बड़े भयानक दंगे इस देश के हुए हैं, 18 बड़े दंगे कांग्रेस की एलायंस और कांग्रेस के शासन में हुए हैं, 3 प्रेसिडेंट रूल के दौरान हुए हैं, 4 अन्य दलों के बीच हुए हैं, और केवल एक दंगा जिसको ये बार बार याद करते हैं वो गुजरात। लेकिन गुजरात का अगर इतिहास हम याद करें तो लोग हैरान होंगे कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे और 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो, दानिश जी, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो वो आए हैं यहां हमें नसीहत करने। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और राजनीतिक ना लहे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता आज वाकई रो रही होगी, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही होगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का किराया, ये सब सोचकर करोड़ों की जो संपत्ति नष्ट हुई है वो याद कर रहे होंगे। और अब मुझे लगता है इस शहर को जरूरत है एक फ्री इंटरस्टेट, ताकि लोग परेशान होकर जो शहरों से दिल्ली आते थे वापस अपने अपने शहर जाकर जरा शांति को महसूस कर सके और महफूज महसूस कर सके। अध्यक्ष जी, मैं एक कहने का तरीका है कि जिन लोगों ने दिल्ली को परेशान किया आज वही मलहम लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने बात की 84 के दंगों की, मनमोहन सिंह जी की बात की, मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि वो भूल गए कि कुछ आरोपित लोग आज मुख्यमंत्री के पद पर भी विराजमान हैं। कुछ लोग भूल गए, मैं इनको ये भी बताना चाहती हूं कि 36 घंटे के अंदर, जो कि बहुत ही भयावह रूप ले सकते थे, लेकिन 36 घंटे के अंदर इन दंगों पर कंट्रोल किया गया, जिसकी तैयारी आज अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो महीने भर से चल रही थी।
Nero was fiddling when Rome was burning. I think he should remember the words of late Mr. Rajiv Gandhi, ki bada ped girta hai to dharti hilti hai. He displays this idiom better than anything else. अध्यक्ष जी, दिल्ली के एमपीज कहाँ थे? दिल्ली के एमपीज जब दंगे हो रहे हैं तो सड़कों पर उतरकर उसको बेकाबू नहीं होने देना चाहते. वो चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, और पुलिस कार्रवाई करेगी. अब आप अपने नेता से पूछ लीजिए वो कहाँ थे, उनसे भी पूछ लीजिए, नेता के आज पीछे मुड़ के पूछ लीजिए कहाँ थे. पाकिस्तान और टेररिज्म के ये खिलाफ जरूर है, लेकिन ये भूल गए कि उन्हीं के डर के मारे इन्होंने इतने दिन हिंदू शरणार्थियों को आज तक नागरिकता नहीं दी, जो 25-25 साल से यहाँ पड़े हुए हैं. हेट स्पीचेस तो जितनी गिनवाई है, उमर खालिद से लेकर तमाम लोग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, लेकिन ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं, वो हेट का प्रोपेगेंडा ही करते हैं. ऐसी डिसेप्टिव राजनीति चल रही है. इन्होंने ये भी कहा कि अजीत डोवाल को क्यों उतरना पड़ा. अरे भाई, एनएसए हैं, एनएसए जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज है, वो उतरे तो मुसीबत, ना तो मुसीबत. और गृह मंत्री का जब आप पूछते हैं ना, तो वो सुपरवाइजरी बॉडी है, और उनको पता है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वो किसी भी दंगा क्षेत्र, दंगा पीड़ित थाने में जाके बैठ जाए क्या, ताकि पुलिस उनकी निगरानी उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम ना करे. क्या चाहते हैं आप? 24 तारीख को दिल्ली में जब हिंसा भड़की, गृह मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे, और इसीलिए मैं आपसे पूछती हूं कि आप किस तारीख की बात कर रहे हैं. दंगा 24 तारीख को शुरू हुआ है 12:30 बजे दिन में, और 7 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार, गृह सचिव, आईबी के निदेशक, आईबी के अन्य उच्च अधिकारी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त सब लोग शामिल थे. गृह मंत्री ने हिंसा का विस्तार से आकलन लिया और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया. ये रात को 1 बजे तक लगातार स्थिति का आकलन करते रहे. 25 फरवरी को गृह मंत्री ने दिन की शुरुआत गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से की. इसके उपरांत दोपहर 12 बजे गृह मंत्री ने नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की स्थिति पर एक बार और बैठक ली. इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल दिल्ली अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष कांग्रेस दिल्ली श्री मनोज तिवारी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली से श्री रामवीर भिदुड़ी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्थित थे. इस बैठक में गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए. गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोगों के मन से भय और व्याप्त अफवाहों को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भेजे. उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी जनता के साथ बातचीत शुरू करने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय अमन समितियों के साथ काम करने का निर्देश दिया. इसके बाद पुनः दिल्ली में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव और निदेशक आईबी के साथ बैठक की गई. दिल्ली पुलिस को सशक्त करने के लिए श्री एस एन श्रीवास्तव को विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नियुक्त किया गया. शाम 6:30 बजे गृह मंत्री ने अपने आवास पर गृह सचिव, आईबी के निदेशक, डिप्टी एनएसए, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री एस एन श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की. इस बैठक में शांति बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लिए गए. गृह मंत्री ने 2 बजे सुबह तक स्थिति का आकलन किया. 26 फरवरी को गृह मंत्री ने स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह समीक्षा बैठक ली. इसके उपरांत गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया. कैबिनेट की मीटिंग की बात कर रहे थे. इसके बाद दिन में श्री अमित शाह ने गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में गृह सचिव और आईबी के
साथ बैठक की। शाम को गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार गृह सचिव आईबी के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 27 फरवरी 2020 सुबह गृह मंत्री ने दिल्ली के व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह सचिव और आईबी के निदेशक के साथ नॉर्थ ब्लॉक में दो और बैठकें की। शाम में गृह मंत्री ने दिल्ली की समग्र स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए गृह सचिव, आईबी के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नॉर्थ ब्लॉक में लंबी बैठक की। अब भी आप जानना चाहते हैं गृह मंत्री क्या कर रहे थे? अध्यक्ष जी, एक साल पहले मैंने एक किताब न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लिखी थी और उसमें एक शब्द था पॉलिटिकल लायोलॉजी। पॉलिटिकल लायोलॉजी इज द आर्ट ऑफ यूजिंग लाइज एज अ वेपन इन पॉलिटिक्स एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट ऑपोजिशन इज डूइंग टुडे। अध्यक्ष जी, क्रिएट फ्रीलांसर्स, उसमें कुछ एडवाइस है, मैं पढ़ देती हूँ। अब मुझे नहीं मालूम था कि जो मनगढ़ंत किताब है वो सच होने जा रही है। इसको एडवाइस किया गया, व्हाट हैपनिंग इन द करंट पॉलिटिक्स आर ट्रू इनएक्टमेंट। So, like the fiction, some international powers have succeeded in creating many freelancers of chaos in India who are constantly working for their sponsors against the interests of India. Bring all of them together, organize them, finance them and coordinate with them to spout multiple voices. Opposition from across different fields, academia, literature, art and culture. And these merchants of chaos is what is being enacted out today. आज जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यही मर्चेंट ऑफ केओस जो काम कर रहे हैं देश के विरोध में। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये सिनिस्टर प्लॉट को काम करने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। और ये जो प्रॉक्सीज वाली बात है वो भी सबके सामने साबित हो रही है। अंत में अध्यक्ष जी, मैं आफरीन फातिमा का एक बयान जरूर बताना चाहती हूँ, एक छात्र जेएनयू की। उनका एक बयान सरफेस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिजर्विंग स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, पुटिंग अप इंडियन फ्लैग्स एंड रीडिंग प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ऑपोजिशन को खास तौर पर याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड की बात करते हैं तो वो 1976 में अमेंडमेंट करके किया गया था और उस प्रीएम्बल को उस समय अमेंड किया गया था जब ऑपोजिशन के लोगों को जेल भेजा गया था। अरे हिंदू, अरे वही तो हम बता रहे हैं आपको, हिंदू 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 तो अध्यक्ष जी जब संविधान ही सेक्युलर है, हमारे विचार ही सेक्युलर है, हमारे विचारों को सेक्युलर होने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है, हम उसकी एक दो लाइन में मैं बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में 72 फिरके हैं और यहूदियों के 71 फिरके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि 73 फिरके होंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि इस सेक्युलर देश के अंदर वो 73 फिरके हैं। कोई भी मुसलमान मानने वाले देश में 73 फिरके नहीं है। वो आपस में कभी सुन्नी को शिया नहीं पसंद, किसी को एमबी नहीं पसंद, किसी को हजारा नहीं पसंद। ये देश है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर वो तमाम फिरके मौजूद हैं और उसका कारण ही यहाँ के बहुसंख्यक हैं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी राष्ट्रहित के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में काम हुए हैं, आप उन कामों को जारी रखिए क्योंकि वही देश निर्माण के सबको एक सूत्र में बांधने वाले काम है। और बहुसंख्यक भले ही चुप है लेकिन वो चुप्पी के साथ आपके साथ चट्टान बन के खड़ा हुआ है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। जय हिंद।